सऊदी अरब में हलाला कैसे किया जाता है और इस्लाम में हलाला के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले पर जो बहुत ही ज्यादा गलत और नाजायज है, वो है हलाले का मामला। हलाला का मतलब क्या है? जब एक शोहर अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है तो फिर वो उसे दोबारा शादी नहीं कर सकता जब तक कि बीवी किसी और मर्द से शादी करके उसके साथ सोबत ना कर ले और फिर उसे तलाक ना ले। ये एक ऐसा अमल है जो कुरान और हदीस के खिलाफ है और इस्लाम में मना फरमाया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे करते हैं या करवाते हैं, चाहे वो पैसे के लिए हो या दिल बहलाने के लिए। ऐसे लोगों को अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। हलाले का असल मकसद क्या है, ये हम कुरान की आयत से समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर अगर उसने यूं तलाक दी तो फिर वो उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह ना कर ले। हलाला का असल मकसद क्या है, ये हम कुरान की इस आयत से समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर अगर उसने उसे तलाक दी और फिर वो उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह ना कर ले, और अगर उसने उसे तलाक दिया तो दोनों पर कोई हर्ज नहीं कि वो आपस में राजी होकर फिर शादी कर लें। अगर ये दोनों अल्लाह की हुदूद में रहने की उम्मीद रखते हैं या अल्लाह की हुदूद है जो वो समझने वालों को बयान फरमाता है। सूरह बकरा आयत 230। इस आयत से हम समझते हैं कि हलाला का मकसद ये नहीं है कि एक औरत जानबूझकर किसी और मर्द से शादी करके उसे तलाक ले ताकि वो अपने पहले शोहर से दोबारा शादी कर सके, बल्कि ये आयत ये बताती है कि 3 तलाक का मतलब है कि अब वो रिश्ता खत्म हो गया और अब वो दोनों एक दूसरे के लिए हलाल नहीं हैं जब तक कि वो औरत किसी और मर्द से शादी ना कर ले, और अगर वो शादी भी हो गई तो फिर भी वो दोनों सिर्फ तभी एक दूसरे के लिए हलाल होंगे जब वो दोनों अल्लाह की हुदूद में रहेंगे। यानी कि वो शादी सिर्फ तलाक के लिए नहीं होगी बल्कि एक सही नियत और मकसद के साथ होगी। हलाला का हुक्म क्या है, ये हम हदीस से जानते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर हलाला करेगा या करवाएगा तो वो अल्लाह और उसके रसूल से बेरा रवि कर चुका है। सन अबू दाऊद हदीस 2076। इस हदीस से हम जानते हैं कि हलाला करना या करवाना एक बहुत बड़ा गुनाह है जो अल्लाह और उसके रसूल से खुद को दूर कर देता है। ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत, इसलिए हमें हलाला से बचना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। हलाला का हाल ये है सऊदी अरबिया में, ये हम सऊदी अरबिया के कानून से जानते हैं। सऊदी अरब में हलाला करना या करवाना जुर्म है जो सजा का मुस्तहिक है। सऊदी अरब के वजीर इंसाफ ने फरमाया है कि जो शख्स हलाला करेगा या करवाएगा या उसमें मदद करेगा तो वो कैद या कोड़े खाने दोनों की सजा का मुस्तहिक होगा। उन्होंने ये भी फरमाया है कि हलाला एक इंसानी इज्जत और इस्लामी असूलों के खिलाफ है, इसलिए दोस्तों हमें हलाला से दूर रहना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हलाला एक जुल्म और जिना है जो इस्लाम में हराम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हलाला को इजाजत नहीं दिया और ना ही किसी सहाबी या सहाबा को हलाला करने या करवाने की तालीम दी। हमें भी इन्हीं की सुन्नत पर चलना चाहिए और अल्लाह की हुदूद में रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।